जी आप सबको, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको जेंट स्वेटर में डाल सकते हो, लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हो, जैकेट में डाल सकते हो। ये सात सात फंदे का डिजाइन है। सात फंदे ये डिजाइन वाले हो गए, दो उल्टे, फिर सात डिजाइन के दो उल्टे। आप उल्टे वाली जगह दो की जगह तीन चार पांच कितने भी कर लो। एक फंदा कोने वाला खाली उतार लिया, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर उधर धागा करके दो फंदे सीधे, एक दो, फिर एक फंदे के तीन फंदे बना देंगे। एक थोड़ा लंबा कर लो इस धागे को, एक, फिर अपनी तरफ धागा करके दो तीन, एक फंदे के तीन फंदे बना दिए। फिर एक फंदा खाली उतार लेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। फिर एक फंदे के तीन फंदे फिर बना देंगे, एक, फिर अपनी तरफ धागा करके दो और एक ये तीन, फिर तीन बना दिए। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, ये तो अलग है डिजाइन से कोने वाला, दो उल्टे दो सीधे, फिर एक फंदे के तीन, फिर एक फंदा बगैर बनाए उतार लिया, फिर एक फंदे के तीन, फिर दो फंदे सीधे, जैसे दो इस साइड सीधे हो गए, दो इस साइड सीधे हो गए। फिर आगे दो फंदे उल्टे, फिर ये कोने वाला भी उल्टा बना दिया। ये पहली सिलाई थी हमारी, अब दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई होगी, ये दूसरी सिलाई है, उल्टी बना लेंगे सारे फंदे इसको। अब जो एक फंदे के तीन फंदे बनाए थे इनको हम खाली उतार लेंगे। अब ये वाला फंदा जो खाली उतारा था सीधी साइड, इसको बना देंगे। फिर आगे तीन फंदे हैं जो, उनको खाली उतार देंगे, फिर सारे फंदे उल्टे। दो सिलाई हो गई है, अब तीसरी सिलाई आ गई। अब दो फंदे उल्टे, उधर धागा करके जो दो फंदे ये सीधे हैं पहले, इन फंदों को पीछे ले आएंगे, ये तीन फंदे बना रखे एक फंदे के, इसको आगे ले आएंगे, यूं करके ये दो फंदे पीछे की साइड से, ये तीन फंदे हैं जो इनको आगे की साइड से यूं डाल के तीन का एक कर देंगे। फिर ये दो बना लेंगे। फिर इधर से फिर ये जो बीच का फंदा है इसको खाली उतार देंगे सीधी सिलाई में, ये खाली उतारना हमने, खाली उल्टी उल्टी में बनाना है ये। अब ये तीन फंदे हैं जो, इनको इधर ले आएंगे, ये दो फंदे आगे पीछे की साइड से ले आए, ये दो फंदे, अब तीन का एक कर देंगे पीछे की साइड से। फिर दो फंदे उल्टे, ये कोने वाला भी उल्टा, तीन सिलाई हो गई है। अब चौथी सिलाई, ये सारी सिलाई उल्टी उतार देंगे। ये एक डिजाइन हो गया हमारा पूरा, चार सिलाई का डिजाइन है, एक पूरा हो गया। अब देखो, दो फंदे उल्टे, फिर उधर धागा करके दो फंदे सीधे, फिर एक फंदे के तीन फंदे बना लेंगे, एक दो और एक तीन,
फिर एक फंदा खाली उतार लेंगे, फिर एक फंदे के तीन फंदे बना लेंगे, एक दो और एक तीन, फिर दो फंदे खाली उतार लेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, फिर दूसरी सिलाई आ गई, उल्टे बना लेंगे ये फंदे, जो तीन फंदे हैं उनको खाली उतार लेंगे, जो ये बीच वाला फंदा है खाली उतारा था सीधी साइड उसको बना लेंगे, फिर तीन फंदे खाली उतार लेंगे। अब सारे फंदे उल्टे बना दिए ये आगे वाले, दो सिलाई होगी। अब तीसरी सिलाई, दो फंदे उल्टे। अब देखो ये जो एक फंदे के तीन बना रखे इनको आगे ले आएंगे, दो फंदे पीछे ले आएंगे, आगे की साइड से ये जो तीन फंदे हैं आगे की साइड से आगे ले आए, और तीन फंदे हैं ये जो इनका तीन का एक बना देंगे। अब ये दो फंदे इनको बना लेंगे, फिर आगे जो ये एक फंदा है इसको खाली उतार देंगे। अब ये तीन फंदे इनको पीछे ले आएंगे आगे की साइड से, पीछे की साइड से तीन का एक कर देंगे, फिर दो फंदे उल्टे, तीन सिलाई होगी। अब चौथी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, हाँ जी ये देखो ऐसे बनेगा डिजाइन, चार सिलाई का डिजाइन है। हाँ जी मेरा डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।